फरवरी 1921 से असहयोग आंदोलन का प्रचार केरल में भी शुरू हो गया। 16 फरवरी 1921 को वहां इस सिलसिले में 4 नेताओं को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 2 हिंदू थे और 2 मुसलमान। इससे केरल में असहयोग आंदोलन ने और जोर पकड़ लिया। जगह जगह जुलूस निकाले गए, विरोध प्रदर्शन होने लगे, गिरफ्तारियां हुई और लोग जेल गए। केरल में 1000 वर्ष पहले मोपला लोग आकर बसे थे, जो अरबों के वंशज थे। उनमें से अधिकांश गरीब थे और अज्ञान में डूबे हुए थे। वो खेती या छोटा मोटा व्यापार करते थे। खिलाफत और असहयोग आंदोलन की सभाओं में उन्होंने अंग्रेजों की सरकार द्वारा मुसलमानों के साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार की बात सुनी तो वो भड़क उठे। उन्होंने विद्रोह की घोषणा कर दी और वो अंग्रेजों की तोपों बंदूकों का मुकाबला करने के लिए भाले और तलवारें लेकर निकल पड़े। इस विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेज सरकार ने सेना बुला ली। सेना ने काफी कड़े कदम उठाए और विद्रोह को दबा दिया गया। इस दौरान की सबसे दर्दनाक घटना ये थी कि करीब 100 से अधिक मोपला विद्रोहियों को मालगाड़ी के एक डिब्बे में ठूस कर गर्मी के मौसम की जलती दोपहर में कालीकट से मद्रास लाया गया। जब रास्ते में एक स्टेशन पर डिब्बे को खोला गया तो 60 से ज्यादा मोपला दम घुटने से मर चुके थे और बाकी की हालत गंभीर थी। आखिर मदन मोहन मालवीय और मोहम्मद अली जिन्ना ने मामले को हल करना चाहा, पर सफलता न मिली। इसी बीच प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आने का समाचार आया। कांग्रेस ने उनका बहिष्कार करने की घोषणा कर दी। इससे ब्रिटिश हुकूमत और चिढ़ गई। उसका दमन चक्र तेजी से चल पड़ा। 17 नवंबर 1921 को जब प्रिंस ऑफ वेल्स बंबई पहुंचे तो उन्हें बंबई की सड़कें और बाजार उजड़े हुए मिले। पूरे नगर में हड़ताल थी। दुर्भाग्य से बंबई में प्रदर्शनकारी भीड़ बेकाबू हो गई और तब ब्रिटिश सरकार को उसे दबाने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा। प्रिंस ऑफ वेल्स जहां जहां गए उन्हें हड़तालों और प्रदर्शनों का सामना करना पड़ा। प्रिंस ऑफ वेल्स के कलकत्ता पहुंचने से पहले ही सरकार विद्रोही प्रदर्शन से बचने के लिए गिरफ्तारियां कर रही थी। इसी कारण देशबंधु चितरंजन दास की पत्नी, उनकी विधवा बहन और उनकी भतीजी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस खबर पर गांधी जी ने कहा, इन 3 महिलाओं को गिरफ्तार करके ब्रिटिश हुकूमत ने बड़ी बहादुरी का काम किया है। इससे हमारे देश की महिलाओं को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने की प्रेरणा मिलेगी। इस समय तक सुभाष चंद्र बोस सक्रिय रूप से राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हो चुके थे। वो नेशनल कॉलेज चलाने के साथ साथ राष्ट्रीय विचारधारा वाले अखबार स्वराज्य के संपादक भी थे। ब्रिटिश सरकार के दमन कार्यक्रमों के बावजूद भी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में अनुशासित स्वयं सेवकों ने नारे लगाकर प्रिंस ऑफ वेल्स का विरोध किया। ब्रिटिश हुकूमत इस विरोध को देखकर चौंक उठी, क्योंकि उसे इसका आभास भी नहीं मिला था। फिर तो सुभाष चंद्र बोस और उनके साथी हजारों प्रदर्शनकारी स्वयंसेवक गिरफ्तार कर लिए गए। बाद में सुभाष बाबू को 6 महीने की जेल की सजा सुनाई गई। 10 दिसंबर को देशबंधु चितरंजन दास को भी गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी से पहले चितरंजन ने बड़ा ही ओजस्वी भाषण दिया था। उन्होंने कहा था, मैं अपनी कलाइयों पर हथकड़ियों की चुभन और अपने शरीर पर बेड़ियों का बोझ महसूस कर रहा हूँ। ये दासता का दर्द है। समूचा भारत एक विशाल बंदी गृह है। कांग्रेस का काम रुकना नहीं चाहिए। इससे क्या फर्क पड़ता है कि मुझे पकड़ा जाता है या छोड़ दिया जाता है? इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं जीवित रहूं या मर जाऊंगा? जेल में सुभाष चंद्र बोस चितरंजन दास के संपर्क में आए। सुभाष बाबू ने वहां उनकी न सिर्फ सेवा की बल्कि उनसे बहुत कुछ सीखा भी। उनके साथ राष्ट्रीय आंदोलन की कई योजनाएं भी बनी।
27 दिसंबर 1921 को अहमदाबाद में कांग्रेस का 33वां अधिवेशन शुरू हुआ। इसकी स्वागत समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। अधिवेशन की अध्यक्षता देशबंधु चितरंजन दास करने वाले थे, लेकिन वो तो जेल में थे, इसलिए कार्यवाहक अध्यक्ष हकीम अजमल खान ने अधिवेशन की कार्यवाही शुरू की। अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार भाग लेने वाले लोग खद्दर पहनकर आए थे। लोग कुर्सियों पर नहीं बल्कि जमीन पर बैठे थे। भाषा भी अंग्रेजी नहीं बल्कि हिंदुस्तानी थी। यहाँ असहयोग आंदोलन और भी तेज करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की भी अनुमति दे दी गई। जनता के मन में कांग्रेस के प्रति विश्वास और समर्पण की भावना आ चुकी थी। जातीय मतभेद और छुआछूत को दूर करने के लिए जिस तिलक स्वराज्य कोष की स्थापना की गई थी, उसमें 1 करोड़ रुपया इकट्ठा हो चुका था। इसके साथ साथ विदेशी कपड़ों की होली, स्कूलों कॉलेजों का बहिष्कार और असहयोग के सभी कार्यक्रम तेजी से चल रहे थे। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा में निहत्थे ग्रामीण किसानों ने एक जुलूस निकाला। वो जय बोलते हुए शांति से जा रहे थे। अचानक उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों के नेतृत्व में आए पुलिस के दस्ते ने आगे बढ़ने से रोका और तितर बितर हो जाने के लिए कहा, परंतु भीड़ वहीं डटी रही। इसके बाद पुलिस की गोलियां बरसने लगी। वो तब तक गोली बरसाते रहे जब तक गोलियां खत्म नहीं हो गईं। गोलियां खत्म हो जाने पर पुलिस वाले घबरा कर थाने चले गए और थाना अंदर से बंद कर लिया। भीड़ उत्तेजित हो उठी। उसने थाने में आग लगा दी, जिससे 20 पुलिस वाले जलकर मर गए। स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में यही घटना चौरी चौरा कांड के नाम से जानी जाती है। गांधी जी ने जब चौरी चौरा कांड की खबर सुनी तो उन्होंने 12 फरवरी को यह घोषणा कर दी कि अभी जनता सत्याग्रह करने लायक नहीं हुई है, इसलिए असहयोग आंदोलन समाप्त किया जाता है। गांधी जी ने जब इस तरह अचानक असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया तो इस पर न सिर्फ जनता बल्कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भी गांधी जी से नाराज हो गए। इनमें चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू आदि प्रमुख। इस प्रकार एकदम अचानक आंदोलन बंद कर देने से गांधी जी की लोकप्रियता को भारी धक्का लगा और लोग उनके नेतृत्व में संदेह करने लगे। इधर ब्रिटिश सरकार ने जब गांधी जी के प्रति असंतोष फैलते देखा तो उसने अच्छा मौका समझकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 18 मार्च 1922 को अहमदाबाद में सेशन जज ब्रूम फील्ड की अदालत में गांधी जी के खिलाफ मुकदमा शुरू हुआ। अदालत में गांधी जी ने अपने प्रभावशाली बयान में सरकार के राक्षसी कामों की निंदा की और कहा कि ब्रिटिश सरकार के ये कार्य किसी को भी राजद्रोही बना सकते हैं। जज ब्रूमफील्ड ने तो जैसे पहले से ही फैसला सोच रखा था। उसने गांधी जी को जनता में असंतोष फैलाने के अपराध में 6 वर्ष की साधारण कैद की सजा दी। गांधी जी को दिए गए इस कारावास से असहयोग आंदोलन कुछ हिला जरूर पड़ गया, लेकिन राष्ट्रीयता की ज्योति जलती रही। इतिहासकार मानते हैं कि असहयोग आंदोलन वास्तव में पहला जन आंदोलन था। कांग्रेस एक ऐसी संस्था बन गई थी जो विदेशी शासन के खिलाफ अहिंसात्मक विद्रोह को संचालित करने का जरिया बन गई थी। अब इस आंदोलन में सिर्फ बुद्धिजीवी ही नहीं बल्कि आम जनता भी शामिल हो चुकी थी। बड़ी संख्या में किसान और मजदूर भी शामिल हो गए थे। लोग हाथ का कता बुना कपड़ा खादी पहनने लगे थे। दरअसल खादी स्वाधीनता सेनानी की पोशाक बन गई थी। जेल उनकी ससुराल। लोग हंसते हंसते गिरफ्तार होते और जेल जाते। अनेक शहरों में प्रदर्शन होते और जुलूस निकलते।
वंदे मातरम। और हाथ में झंडा लेकर आजादी का प्रसिद्ध झंडा गीत गाते, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा शक्ति बरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। आओ प्यारे वीरों आओ, देश धर्म पर बलि बलि जाओ, एक साथ सब मिलकर गाओ, प्यारा भारत देश हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इसकी शान न जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए, विश्व विजय करके दिखलाए, तब हो वे प्रणपूर्ण हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इस प्रसिद्ध गीत के लेखक थे श्री श्यामलाल गुप्त पार्षद। गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने सन 1919 में नौकरी छोड़कर स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। उन्हें बाद में गिरफ्तार करके 21 महीने की सजा दी गई थी। पार्षद जी 1920 से 1927 तक फतेहपुर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। उन्हीं दिनों कानपुर के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी गणेश शंकर विद्यार्थी की प्रेरणा से पार्षद जी ने दो झंडा गीत लिखे। वो दोनों गीत राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन को भेजे गए। टंडन जी ने जो गीत स्वीकृत किया वही बाद में लोगों का कंठहार बन गया। लोगों ने इस गीत को तो याद रखा पर इसके रचयिता श्यामलाल गुप्त पार्षद को भूल गए। धीरे धीरे पंडित मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास की प्रेरणा से राष्ट्रीय आंदोलन और कांग्रेस की राजनीति में एक नई विचारधारा ने जन्म लिया। उनका कहना था, हमें विधान मंडलों के चुनावों में भाग लेना चाहिए ताकि उनके माध्यम से हम सरकार के पास अपनी मांगे पहुंचा सकें। सन 1923 में हुए चुनावों में कांग्रेस के जिन नेताओं ने भाग लिया वो स्वराज्य दल के नाम से खड़े हुए। स्वराज्य दल को चुनावों में अच्छी सफलता मिली थी। पंडित मोतीलाल नेहरू स्वराज्य दल के नेता थे। इसी बीच शचिंद्रनाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल आदि ने क्रांतिकारी दल का संगठन किया। सन 1924 में लखनऊ के पास काकोरी स्टेशन पर रेलगाड़ी रोककर सरकारी खजाना लूटने के जुर्म में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनमें से प्रमुख थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला, रोशन सिंह और राजेंद्रनाथ लाहिड़ी। अन्य लोगों को कारावास की लंबी सजाएं दी गई। केवल चंद्रशेखर आजाद नहीं पकड़े जा सके। सन 1925 में देशबंधु चितरंजन दास की मृत्यु हो गई। इससे स्वराज्य दल की शक्ति कमजोर हो गई। देशबंधु चितरंजन दास स्वतंत्रता संग्राम के उन नेताओं में से थे जिन्होंने न सिर्फ बंगाल बल्कि सारे देश के स्वतंत्रता संग्राम को नेतृत्व प्रदान किया था।